खासतौर पे मंदार हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी TCS से इंफोसिस जैसे स्टॉक्स में, लेकिन वापस इस हफ्ते ये दोनों स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, खरीदारी लौटती हुई दिखी है। तो क्या राय होगी, क्या अगले हफ्ते इंफोसिस और TCS जैसे स्टॉक्स थोड़ा परफॉर्म करते हुए देखेंगे, और कोई आपको टारगेट समझ में आ रहा है क्या अगले हफ्ते के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स में अभी भी ऊपर की तरफ थोड़ा सा वीकनेस बना रहेगा। ऐसी बात है नहीं कि इतना जबरदस्त स्ट्रेंथ है कि जो ऊपर में ये स्टॉक्स को अभी जो लेटेस्ट में जो टॉप्स बने हैं वो ब्रेक करके ऊपर ले जाए, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है फिलहाल। तो अब इन्फोसिस का अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो 1275 1280 इस तरीके का रेजिस्टेंस बनता है, तो क्वाइट पॉसिबली वहाँ तक स्टॉक जरूर जा सकता है। लेकिन जिस तरीके का एक कंसोलिडेशन फिलहाल बना हुआ है, और तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ब्रेक होना मुश्किल है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद 100 रुपए की मूव बनती है, तो इसलिए ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, और ये लेवल वॉच करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ब्रेक नहीं होगा, लेकिन अगर नेक्स्ट वीक ब्रेक हो जाता है तो व्यू चेंज होगा, तो इसलिए 1280 का लेवल वॉच करना बहुत जरूरी है। उसी समय पे TCS की अगर बात करते हैं तो ये 3200 का लेवल सपोर्ट के तौर पे बहुत पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर की तरफ 3240 ये एक रेजिस्टेंस बनता है, तो ये लेवल जरूर वॉच करना है। ये अगर ब्रेक होता है तो यस, एक 30 से 40 रुपए का अपसाइड इस स्टॉक में जरूर बन सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स में अभी भी उस तरीके का जो सस्टेन्ड एक बाइंग चाहिए जो स्टॉक्स को ऊपर ले जा पाए वो मिसिंग है फिलहाल। तो मंदार, ये मानना है कि अभी दोनों शेयर जो है रेजिस्टेंस के आसपास ही कारोबार कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। एक स्टॉक देखिए, इस हफ्ते हमने देखा प्रशांत की एक अच्छी मजबूती दिखाई, DLF में हमने सबसे अच्छा मजबूती देखी इस हफ्ते, और करीब 7-8% की मजबूती होते हुए देखा DLF में। क्या अगले हफ्ते भी तेजी का रुझान आपको लगता है, या जिनके पास ये सौदा है अगले हफ्ते प्रॉफिट बुक कर ले थोड़ा? मनीष जी, मेरे हिसाब से हम करीबन 470 के ऊपर स्पॉट में क्लोज हुए, 472, आप 454 454 ये आपका स्पॉट में क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए पोजिशनली, और आप बने रहिए। मुझे लग रहा है ये स्टॉक डेफिनेटली 495 हो सकता है, 510 तक भी जाए, तो आप सिर्फ डाउनसाइड कैप कर लीजिए। 454 क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और बिल्कुल पोजिशन को होल्ड कीजिए। सीधे तौर पर DLF में होल्ड करने के सिवा और भी मजबूती देखने को मिल सकती है। एक स्टॉक और देखिए मंदार, हमने देखा डिवीज लैब में इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, और सबसे बड़ी बात है कि फार्मा इंडेक्स भी इस बार सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि कमज़ोर हुआ, 10% की डिवीज लैब में गिरावट देखने को मिली। अगले हफ्ते जो इसके नतीजे आने वाले हैं, तो डिवीज लैब पर क्या राय होगी आपकी? देखिए, अभी भी डिवीज में वीकनेस ही है लग रहा है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था वो ब्रेक किया हुआ है स्टॉक ने। आज 31 32 का ये लेवल था, तो 31 32 के नीचे जब तक ट्रेड करता है तब तक वीकनेस बना रहेगा। शायद अब जो अर्निंग्स हैं वो प्राइस शायद अभी से डिस्काउंट करना शुरू कर दिया है, कि अर्निंग्स में मार्केट को अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता हो तो उस तरीके का व्यू शायद मार्केट ने बना लिया, और इसलिए प्राइस में हमें डाउनटिक देखने को मिल रहा है। अब नीचे की तरफ जो एक बढ़िया सपोर्ट बनता है वो 2940 2950 के लेवल्स पे, तो वहाँ तक मुझे लगता है वीकनेस बनेगा, शायद वहाँ से टर्न भी कर सकता है। लेकिन जो फिलहाल जो सपोर्ट ब्रेक हुआ है, तो मुझे लगता है कि एक और 100 150 पॉइंट का डाउनटेक इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है।